हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सुबह हो गई है, आज है संडे का दिन और मेरा बेटा उठ गया है, पूजा के बाबू को खिला रहा है, तो मैं सो के नहा धोली हूँ। और आज मम्मी का खाने का मन कर रहा है सुबह नाश्ता में पराठा सब्जी, क्योंकि रात को पापा सही से खाना नहीं खाए थे, तो बोली सुबह सुबह बना दूँ। तो मैंने सब्जी छौंक दिया है, भिंडी का सब्जी छौंका है, वो भी भुजिया पराठा सेक दूंगी। एक बार पराठा सब्जी सब लोग नाश्ता कर लेंगे। तो अभी है नहीं, पापा गए हैं चोरा माई पे, यहाँ से ढुड़वा मतलब 3 किलोमीटर पड़ता होगा, मोड़े के आगे हैं। तो मैं फटाफट सब्जी छौंक दी हूँ और इधर मैं सोची कि ब्लॉग भी शूट कर लेती हूँ। तो आएंगे तो फटाफट उनको गरम गरम दे दूँगी खाने के लिए। और आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, खूब ढेर सारा प्यार दीजिए, सपोर्ट करिए। मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है पूनम जायसवाल 3133 और फेसबुक पेज है पूनम जायसवाल 3133 में आप हमारे इस पेज को देखेंगे। मतलब इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज दोनों सेम ही, पूनम जायसवाल 3133। आप लोग प्लीज़ हमें वहाँ जाके प्यार दीजिए, सपोर्ट करिए। तो मैं चलती हूँ, सब्जी छोड़ दी हूँ, जानते हैं इधर भी देखना है उधर भी देखना है, अकेले सारा काम मैनेज करना है, तो चलती हूँ। पराठा सब्जी देखिए इधर बन के रेडी हो गया है और आरो को मैं दे दी हूँ, इधर नहा लिया है। क्या हुआ? फिर लग गया पैर में, कल चोट लगा लिया है, तो आरो को दे दी नाश्ता करने के लिए। इसका देखिए, जाओ इधर देखिए पैर, इसलिए बोलती हूँ बाहर मत जाया करो, चलो जाओ हाथ धो के जाओ, चलो नाश्ता कर लो। और इसे पोछे तो इसे फेंक दिए तो धूप में डाल दो। आरो आ, मैं पराठा से भी तभी आरो नहाया, तो कपड़े सारे सुबह धो के डाल दी हूँ, पूरा डारा एकदम फुल है। अब अभी घड़ी में कितने बज रहे हैं, 9:30 बज रहे हैं, खाना बन गया है। आरो दे दी नाश्ता कर लो बेटा, मुँह नहीं बनाते हैं सुबह सुबह। आरो मुँह देखो कैसे बना है। तो दर जब खटिया सोए थे तो मैं फैमिली दिखाई थी आरो कैसे सो रहा है। गांव खटिया सोने में मजा आता है। गाइस सोचिए, सब कुछ रहते हुए हम लोग बेड पे बेडरूम में जाने का मन ही नहीं करता है। तो आगे से टेडी पिक्चर जाती तो खूब अच्छे साफ करती, जाती पर रूम में रहती, लेकिन गर्मी है और कुछ तो ऐसे ही नहीं जाने का मन करता है। नीचे इस वाले रूम में ठंडा रहता है, इसलिए इस वाले रूम में मैं हमेशा रहती हूँ। आ रहा हूँ हमेशा टीवी में देखता है। लोग अलग 9:55 पे टेडी पिक्चर देख रहे, तो आप लोग भी मेरे साथ देखते रहिएगा। कहाँ 55 हो रहा है? 55 पर आता है लेकिन जल्दी आ गया। कैसे 55 पे? अभी तो 9:31 हो रहे, देख रहे हो बहुत जल्दी आ गया, वही तो बोल रहा। अच्छा तो गाइस आप लोग जुड़े रहिए, आरो नाश्ता कर लेता है, फिर उसके बाद कहाँ जाए मिलते हैं हम सब। सो गाइस दोपहर के समय हो गए हैं और आप पता है, देखिए पता नहीं आज सुबह से जब मैं खाना बना रही थी तो इधर पूरा गले में जलन जैसा हो रहा था पूरा, तो मैं देखी आरो से कब से बोल रही हूँ, देखो आरो मेरे गले में क्या हुआ है। कुछ तो क्या नहीं हुआ है? हाँ कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, लेकिन बहुत दर्द कर रहा है। तो चाची की लड़की को बुला के दिखाई हमके, देखो गांव में पता नहीं कौन सा कीड़ा है रेंग जाता है तो बहुत, जैसे बहुत दर्द करता है उसी तरह से दर्द कर रहा है। इधर बोरो प्लस मंगाई, और बोरो प्लस मंगा के फिर उसके बाद एड़ी भी, ये पैर देखिए गांव में किस तरीके से एकदम धारी धारी हो गया, बहुत दर्द कर रहा है। पैर में भी बोरो प्लस लगाई और यहाँ भी लगाई, और आरो को भी चोट लग गया है। ऐसी आज बहुत, आज सुबह से ही हालत खराब हो रही है। मम्मी चोट पर लगा लेंगे? हाँ लगा लो, थोड़ा सा मेरे पीछे भी लगा दो, यहाँ लगाओ थोड़ा सा ना, पहले चोट बहुत जलन हो रही है, लगाओ बेटा। तेज दर्द कर रहा है, बहुत अंधा तक हो। अरे मेरा भी ये देख रहे, पूरा ना छुआ रहा, सुबह सोई थी खटिया ना पूरा दर्रा गया, चल नहीं रहा है, पूरा पैर एकदम खट खट गया है। होता है ऐसा, खाना
खाना अभी को जस्ट मैं खाना खा के उठी, आरो बोला अभी को खाना खा रही हूँ। कहा जब भूख लगेगा टाइम, अपने ही टाइम से भूख लगता है, मुझे सुबह खाने का मन नहीं करता है। तो सब लोग खाना खा लिए थे, मैं अभी को खाई हूँ। और घड़ी में कितने बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं? 14:45। कितना हो रहा है? 15 है, देख लो। नहीं 13 है। 13:45 हो रहा है, मतलब 2:15 हो रहा है। 2:15 बजे मैं खाना खाई हूँ, क्योंकि यही समय है, यही आदत है। अभी खा के जस्ट उठी हूँ और ये बहुत भवा रहा है। गले में का चैन निकाल के मम्मी को दे दी, बोली रख दो, बहुत दर्द हो रहा है। देखिए आरो हाथ में लेके लगाओ। हाँ, हाथ ही में लेकर लगा रहा हूँ। बहुत तेज भवा रहा है। काला कैसा लग, काला हुआ है, लाल हुआ है? लाल हुआ। अरे धीरे, इतना जोर से नहीं, हल्का हाथ लाल हुआ है। बैक कैमरा देखो, थोड़ा सा देखो तो दिखाओ। A few moments later, शाम का समय हो गया है और बल्ब भी जल गया है, देख सकते हैं। और घड़ी क्या बोलते हैं, दिया बाती जो है शाम के समय। इधर गले में जो उछाला हुआ है, बहुत दर्द कर रहा है, इतना दर्द कर रहा है कि बिल्कुल रहा नहीं जा रहा है। पूरा बाल दिख रहे हैं, ऊपर उठा के एकदम बाल ली हूँ। तो गाइस ये क्या है, चलिए। तो गाइस आज मन बहुत काफ़ी परेशान है। आरो को भी चोट लग गया, मुझे भी चोट लग गया। जब ऐसी दिक्कत परेशानी आती है तो ये होता है कि अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा है। मैं क्या बताऊं, और कुछ बातें हैं दिल में, खलबली सी मची है। काफ़ी देर तक सास ससुर के बाहर बैठ के होता है पारिवारिक बातें, तो हमने बात किया। जब पुरानी बातें उड़ जाती हैं तो थोड़ा मन में टेंशन हो जाता है, इसलिए और कुछ ज़्यादा मन अब जैसे घबराहट बेचैनी हो रही है। तो गाइस धीरे धीरे दिन नज़दीक भी आ रहा है, और भाभी के यहाँ शादी है, और हमें कुछ लाई हूँ सामान, सोच रही हूँ भाभी के यहाँ शादी में भी जाना है, तैयारी करना तो है। चल तो ना, अरे बदलिए बनारस से लेना। क्या चीज़? जो आपको देना है गिफ्ट, बदलिया बनारस से लेना। अच्छा, लहसुन प्याज पीसना है, सब चीज को इसके खाना पीना की जा रही हूँ तैयारी करने। भाई लाइफ है तो टेंशन तो रहेगा ही, और इस टेंशन से उबरने के लिए केवल किसका सहारा मिल सकता है यारो? भोलेनाथ की कृपा से सब काम हो रहा है। तो वही भोलेनाथ है जो कि मुझे, मेरे बच्चों को देख रहे हैं, उनका आशीर्वाद है। और आप लोग भी अपना आशीर्वाद अपने इस जो बड़े हैं अपने बेटी पे बनाए रखिए, क्योंकि इस दुनिया में इस बेटी का एक भोलेनाथ के सिवाय, दो बच्चों के और हमारी फैमिली के सिवाय कोई नहीं है। बस हंसती हूँ तो बस इन बच्चों के लिए, नहीं तो कब रो के कब दिल ऐसे ऐसे चलता है, कैसे गिर जाता है पता नहीं। आरो बोला बिल्डिंग गिरा दी। आप बोलने जा रही थी ना बिल्डिंग गिरा? मैं थोड़ी ना बोलने जा रही थी बिल्डिंग गिरा दी। यही सब है, बच्चे बोल देते हैं, थोड़ा सा चेहरे पे हंसी आ जाती है। तो गाइस इस वाले ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, और वीडियो पसंद आएगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, खूब ढेर सारा प्यार दीजिए।